हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता। और फ्रेंड्स, आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूं जो पनीर स्पेशल है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी इन डिफरेंट स्टाइल। तो ये इतना टेस्टी बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट्स, प्लस बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें कुक करना है। 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे पैन में। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर क्यूमिन सीड ऐड करूँगी, यानी जीरा। 30 सेकेंड्स के लिए जीरा को पका लेंगे। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियन ऐड करूंगी, यानी प्याज 2 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप किया हुआ। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और साथ में मैं जिंजर एंड गार्लिक ऐड करूंगी फाइनली चॉप किया हुआ, यानी अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून के बराबर ईच। तो इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ओवर कुक नहीं करना है। तो आफ्टर 2 मिनट्स हमारा प्याज सॉटे हो चुका है, यानी अनियन। अब मैं इसमें 1 बिग साइज कैप्सिकम ऐड करूंगी फाइनली चॉप किया हुआ, यानी शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। इसे भी हम अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लेंगे। भूनने के बाद अब मैं इसमें 2 से 3 टमाटर ऐड करूंगी फाइनली चॉप किया हुआ। इसे भी हम मिक्स करते हुए पका लेंगे। हम इसे ढक कर पकाएंगे अराउंड 2 से 3 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब हम चेक कर लेते हैं तो टोमेटोज भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून के बराबर टर्मरिक ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला जिससे और भी अच्छा टेस्ट आता, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून के बराबर कोरिएंडर पाउडर। तो मसाले आप अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर बटर ऐड करूंगी। तो मैंने इसमें धनिया, मिर्ची, पाव भाजी मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूंगी क्रश करते हुए 1 टेबल स्पून के बराबर। तो फ्रेंड्स, बटर, कसूरी मेथी और पाव भाजी मसाला से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर पानी ऐड करूंगी और इसे हम ढक कर पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो इसे 2 से 3 मिनट हम पकने देंगे। आफ्टर 2 से 3 मिनट्स बाद हम इसे चेक कर लेते हैं तो ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें क्रम्बल किया हुआ फ्रेश पनीर ऐड करूंगी। ये होममेड पनीर है जिसे मैंने अच्छे से क्रम्बल कर लिया है, यानी कॉटेज चीज़। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और साथ में मैं इसमें कोरिएंडर ऐड करूंगी, यानी फाइनली चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। अब मैं इसे दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ और 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इसे ओवर कुक नहीं करना है वरना पनीर हार्ड हो जाता है टेक्सचर में। तो हमारा पनीर बनकर तैयार है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बना है। तो फ्रेंड्स, इसे इंजॉय कीजिए विद पराठा, रोटी, पूरी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।